जीआईएस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम एट्रीब्यूट टेबल्स कहते हैं। वैसे तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी आपके पास फीचर्स हैं, चाहे पॉइंट हो, लाइन हो, पॉलीगॉन हो, उन सब की कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये आपका कोई पीए ट्रैक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे इसकी अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो ये एक रेक्टेंगुलर टेबल हमको मिलता है। चाहे किसी भी जीआईएस की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको A1 वैल्यू पर सेल मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, एक मान लीजिए ये एक हमने रिकॉर्ड लिया, तो एक रिकॉर्ड लिया, इस तरीके से बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे। जो कॉलम्स हैं, इसमें जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ये कॉलम एट्रीब्यूट्स हैं, और जो रोज हैं ये डेटा है, ये ऑब्जर्वेशंस है। तो हमारे पास मान लीजिए, मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, इसके आगे नहीं है। मैं मान लीजिए तो हमारे पास कुल मिला के 80 डेटा है, 80 रिकॉर्ड्स हैं, और हर रिकॉर्ड जो है उस वो शेप एक उसका एक एट्रीब्यूट हो गया। मतलब एक जो मान लीजिए मैं ऐसे लाइन ले लेता हूँ, तो ऐसे मेरे पास 80 लाइनें हैं, और हर लाइन का मेरे पास ऑब्जेक्ट आईडी है, उसका कुछ नंबर है, कुछ लेंथ है, ऐसे कुछ सारी चीज़ें हमारे पास है। अब पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो यहाँ देख सकते हैं। तो एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, या ये एक डेटा टेबल फॉर्मेट है जिसमें आप एक फीचर का, जो पॉइंट लाइन पॉलीगन हो सकता है, उस फीचर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। जो पहला रो है उसको आप ये जैसे इसमें देखिए FID है, इसी तरीके से आपके पास ऑब्जेक्ट आईडी भी है। ये सारी जो चीजें हैं ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपका। जैसे 77 बोला तो 77 लाइन के पास आएगा वो। और देखिए सब में पहला कैरेक्टर जो है वो लेटर है, सी, ये जो इस वाले में पहला कैरेक्टर आपका लेटर है, बाकी आप इसमें लेटर या डिजिट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपने जो एट्रीब्यूट्स है, जब आप ये डिफाइन करते हैं तभी बता देते हैं कि ये क्या होने वाला है, ये इंटीजर होने वाला है, ये टेक्स्ट होने वाला है, ये फ्लोट होने वाला है, ये सारी चीज़ें पहले ही बता देते हैं। तो इसलिए आप के पास एडिशनल रोज है, आप उसको और जोड़ सकते हैं वैल्यूज को। फिर से मैं उधर जाता हूँ, जैसे 80 है, अब मैंने यहाँ पर तो 80 पे ख़त्म कर दिया था, आप 80 का 85 कर सकते हैं, पाँच आपके पास एट्रीब्यूट और आ गए तो सारे जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास ये जो कॉलम्स है, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है, उसको और बढ़ा सकते हैं, इसको और भी बढ़ा सकते हैं। ये आपको मैं अभी और थोड़ा सा आगे बताऊंगा। देखिए, समटाइम्स कॉलम्स कैन बी फंक्शन ऑफ अदर कॉलम्स। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया, एक लाइन है, अब ये लाइन के कुछ एट्रीब्यूट्स है, इस लाइन का अगर मुझे लेंथ पता है, मान लीजिए लेंथ हमें पता है, तो इसका मैं एक तरीके से लेंथ अगर मान लीजिए मीटर में है तो मैं इंचेस में भी दिखा सकता हूँ। तो लेंथ इन इंचेस, ये एक और कॉलम जोड़ सकता हूँ मैं, जो इस पे लेंथ इन मीटर पे डिपेंड करेगी। लेंथ इन मीटर को लेंथ इन इंच में चेंज करके हमने कॉलम दिखा दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसे भी कॉलम्स हो सकते हैं जो हमारे पिछले कॉलम्स पे डिपेंड करते हैं, जो उसके रिजल्ट हो सकते हैं। ये एट्रीब्यूट टेबल्स की खासियत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइमरी की, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उसमें मैंने बोला दीपक, तो तीन बच्चे खड़े हो गए, तो दीपक, अब मैंने बोला दीपक उनियाल, तो उसमें से एक बंदा खड़ा हुआ, हो सकता है तीन में से दो खड़े हो जाए, दीपक उनियाल, दो लोगों का नाम, दो बच्चों का नाम दीपक उनियाल हो, और मैंने बोला दीपक उनियाल रस्तोगी, ऐसे बोला, तो क्या होगा, एक ही खड़ा होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इतने तीन तीन नाम एक जैसे हो। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए कोई ना कोई हमारे पास एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, ताकि हम इन 80 रिकॉर्ड में से एक को निकाल सकें। तो ईच डेटा टेबल, हर एक डेटा टेबल के पास प्राइमरी की होती है, जिसकी दो प्रॉपर्टी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी की है जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके किसी भी रिकॉर्ड को, इस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। पहली तो यह है कि ईच वैल्यू इन द एट्रीब्यूट कॉलम इज यूनिक। जो एट्रीब्यूट कॉलम जिसको आप प्राइमरी की बनाएंगे, जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस FID को भी बना सकते हैं, ये भी यूनिक है, ऑब्जेक्ट आईडी को भी बना सकते हैं, या FIPS जो भी है, FIPS बेसिकली एक एड्रेस का कोड है। तो ये तीनों चीजों को ही आप ऑब्जेक्ट ये प्राइमरी की बना सकते हैं। दूसरी चीज, इनमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्राइमरी की अगर आप ले रहे हैं तो उसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की ही तो आइडेंटिफाई कर रही है, और अगर आपने उसको नल बना दिया तो कैसे काम चलेगा, वो नल तो नहीं हो सकती। ये ध्यान दीजिएगा प्राइमरी की इसका। तो किसी भी एट्रीब्यूट टेबल के लिए नल की बहुत इंपॉर्टेंट रखती है।
इस तरीके से ये तो आपने एक फॉर्मेट देख लिया था जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब एक्सटर्नल टेबल फाइल फॉर्मेट फॉर इम्पोर्ट टू आरजीआईएस और एनी अदर जेएस, चाहे क्वांटम जेएस ले लो चाहे आप ग्रास ले लो, तो उसके लिए आपके पास सीएसवी फाइल है। सीएसवी क्या फाइल क्या है? सिंपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक टाइप नोटपैड पे जाइए, नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, एज लिखिए कॉमा लगा के, और उसके नीचे नाम डाल दीजिए डबल कोट्स में, कॉमा लगा के उस एड्रेस डाल दीजिए और कॉमा लगा के आप एज डाल दीजिए। बस ऐसे 80 रिकॉर्ड है ना, 80 रिकॉर्ड इस तरीके से लिख दीजिए, इसको इम्पोर्ट कर लीजिए अपने इसमें, अपने आरजीआईएस में या फिर क्वांटम जीआईएस में, आपको ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो इस फॉर्म में मिल जाएगी। देखिए ये पर्सन्स डॉट नोटपैड है, इसको डॉट सीवी है, जैसे हमने एट्रीब्यूट टेबल में डाला तो ये अपने आप इसने अपनी जगह बना ली। तो आप आराम से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में ले सकते हैं, या एक्सएलएस फॉर्म में डॉट एक्सएलएसएक्स फॉर्म में ले सकते हैं। आप जानते हैं क्या होता है ये एक्सेल शीट, एक्सेल के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सूट है माइक्रोसॉफ्ट उसका ऑफिस का, उसमें एक्सेल आता है डॉट एक्सएलएस या एक्सएलएसएक्स। तो 2003 जो है वो तो 65,000 रो और 256 कॉलम को हैंडल करता है। 2007 तो खास तौर पे इतनी सारे मतलब कॉलम्स देखिए 16,384 तक जाता है और 10 लाख से ऊपर आपका रोज कवर करता है। तो ये एक्सएलएस और एक्सएलएसएक्स भी डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने इसमें एट्रीब्यूट टेबल में। डॉट डीबीएफ डेटाबेस फाइल है, ये लेगेसी फॉर्मेट है, आर्क मैप का है और बाकी भी अभी इसको फॉलो करते हैं। आराम से इसको डॉट डीबीएफ फाइल है, इसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉट एमडीबी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, डॉट एमडीबी अगर फॉर्मेट है उसमें आपका डाटा रखा है तो उसको डायरेक्ट आप एज ए एट्रीब्यूट टेबल बना सकते हैं अपने किसी भी जीआईएस सॉफ्टवेयर में। एमडीबी बहुत बढ़िया है, 2 GB तक फाइल साइज ये सपोर्ट करता है। देखिए और आगे जानकारी है तो यहाँ ले सकते हैं। अब देखिएगा इसमें फील्ड कैलकुलेटर बता रहा हूँ, एक फील्ड है इसमें हम और भी चीजें जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एज अंडर 5 है, एज अंडर 5 to 17 है, तो एज अंडर 0 to 17 ये एक आप देखिए मेरे पास ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, मैं एज बिटवीन 0 to 17 निकाल सकता हूं आराम से। कैसे करूंगा? बस ये एक कॉलम मुझे जोड़ना है, दिस कॉलम विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इन दोनों का कॉलम जोड़ के यहां तीसरा कॉलम आ जाएगा। ये फील्ड कैलकुलेटर है, कितना आसान है ये। इसी तरीके से आप न्यूमेरिक भी कर सकते हैं, आप एकर्स को स्क्वायर माइल से आपको बता चुका हूँ, आप एकर्स लीजिए इसको स्क्वायर माइल में डिवाइड बाय 64 कर दीजिए, 640 आपको स्क्वायर माइल्स में एक कॉलम मिल जाएगा। ये सब पॉसिबिलिटी है आपकी जीआईएस में। इस तरीके से आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हाउस नंबर और स्ट्रीट फील्ड आप ऐड कर दें, ये हाउस नंबर है और ये स्ट्रीट फील्ड है, तो आप ये ना ये जो ओल्ड नेम है ये है, इसमें नया नेम जोड़ सकते हैं और उसमें ये जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर एड्रेस में, जैसे ये दिखाया एड्रेस, तो यू कैन ऐड द एड्रेस हाउस नंबर और यहाँ पर एन परसेंट लगा के बीच में डबल कोट्स डाल देंगे ताकि स्पेस आ जाएगी और ये स्ट्रीट नेम, तो फाइनल आउटपुट जो आएगा वो हाउस नंबर और नेम का जुड़ा हुआ एड्रेस में आउटपुट आ जाएगा। देखिए आप ये फील्ड कैलकुलेटर जो मैंने आपको बताया था, इसमें आप काउंटी नेम, ये जो काउंटी नेम है इसको भी ऐड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, काउंटी नेम इज इक्वल टू वट एवर एक्स जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं। तो ये कॉलम बना के ये एक फील्ड कैलकुलेटर वाली चीज़ यूज़ करेंगे और आप यहाँ पर एट्रीब्यूट को जोड़ सकते हैं। तो ये सारे फायदे मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट टेबल के। एट्रीब्यूट टेबल हर एक फीचर की जान होती है, इसका मतलब सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एट्रीब्यूट टेबल में होता है। एमडीबी हो, एक्सेल हो, सीएसवी हो, सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड फॉर्मेट है वो सारे एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये बात हुई एट्रीब्यूट टेबल की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।